फ्लड, ये पूरा टीला बह के आया था, तो ऊपर माता की मूर्ति निकली थी। कुमाऊनी बोल के हाँ वो प्रेशर बना रहा है। चलो निकलते हैं भैया, अब तुम्हें देखने को मिलेगा उत्तराखंड टू दिल्ली। तो भाई लोगों, आज के दिन की शुरुआत माँ गर्जिया देवी के दर्शन के साथ। तो आज बहुत टाइम बाद एक राइड होने वाली है। यहाँ से अपन निकल रहे हैं दिल्ली टू। तो भाई एक सीन हो गया है, हापुड़ के लिए निकलना था, मेरठ के लिए निकल रहा हूँ। तो ये ना बोलते बीच में इन खेतों में से ले लो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड, और आज है सेकेंड डे दिल्ली टू उत्तराखंड सीरीज का, और मैं आज जा रहा हूँ गर्जिया माता के मंदिर। और मोटो ब्लॉग होगा यहाँ से वहाँ, और देखते हैं अभी चलते हैं। ठीक है, सब रेडी हो रहे हैं, हेलमेट वेलमेट रेडी करता हूँ, फिर निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का डे। यहाँ रखी थी हमने स्कूटी रात को। ओ कैसी निकल रही है। हर्षित भाई को करियो, ओपन करियो उसको, पटरी लगा दे आगे भाई। अब लाना और नीचे लगेगी। तो आज का डे स्टार्ट हो रहा है, और ये कुछ मीटर है अपना 41,028 पे। चलो निकल रहे हैं यहाँ से गर्जिया के लिए अपनी स्कूटी पे, अपनी प्यारी पे। सेम रूट लेना हर्षित भाई। तो इस वाले पहाड़ों में फर्स्ट टाइम ड्राइव करने वाला हूँ, थोड़े कर्वी ड्राइव के ना मज़ा आता है, और आपको भी देखने में मज़ा आएगा क्यों थोड़ा अलग ही दिखता है। 2016 में ये आस्थान प्लाजा करके साइड को, तो मैं यहाँ भी आया था एक वर्कशॉप देने आया था 2016 में। बहुत पुरानी बात होगी, मैं हर्षित, मेरा एक और फ्रेंड था आकाश, तो 2016 में इस रीजन से आया था। 2019 में मैं दोबारा आया था यहाँ पे रामनगर हंसते ही करने, तब मैं आया था एक टैटू बनाने, जो कि मेरे हाथ पे आपको दिखता होगा ये रहा। तो ये टैटू मैंने यहीं से करवाया था, और उसके बाद मैं अब आया उससे ही करने, और इस बार हम फिर आए तो जस्ट याद ही ताज़ा करने कि हाँ एक टाइम पे मैं आया था। और मुझे शौक था कि मैं मोटो व्लॉग करूँ वहाँ जाके ना, अपनी बाइक वाइक स्कूटी स्कूटी से जाऊँ, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि अपनी प्यारी से चलते। और पहाड़ों में ड्राइव करने का तो पता मज़ा ही अलग है। लॉन्डे फुल शूट वूट ड्रिल व्हील बन रही है ना, यही रास्ता है कल वाला जहाँ से हम वहाँ गए थे, सस्पेंशन ब्रिज झूला पुल। एक्चुअली रास्ता एक ही है रामनगर से ऊपर जाने के लिए ना, इसके बाद जो रोड डिवाइड होगी कुमाऊँ गढ़वाल में डिवाइड होगी, वो आगे जाके ही डिवाइड होती है। कल तो अंधेरा था, इतना दिख नहीं पाया है ना। बाकी ऐसी कुछ मार्केट स्टार्ट होती है कॉर्पोरेट की, ठीक है, ये कॉर्पोरेट का बोर्ड है। इन रोड्स में आपको नॉर्मल हिरन विरन ये ऐसे एनिमल देखने को मिल जाते हैं, मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा दिखते हैं, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था ना छोटे जानवर। और फिर जैसे ही गाड़ियों की शोर स्टार्ट होती है 6:30 वो फिर से अंदर गहरे जंगल में खो जाते हैं। तो कॉर्बेट में जब थोड़ा आप अंदर आते हैं ना, तो एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे हॉट एयर बैलून, पैराग्लाइडिंग। और पीछे एक मंदिर है शिवजी जी का ना, वो ऊपर की तरफ को है थोड़ा। तो उस मंदिर का क्या सीन है कि उसमें जो शिवलिंग लगा है ना, वो 2500 साल पुराना है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जिसके लिए तुम आ सकते हो। बाकी ये देख लो, राज मूवी वाला फील है, चारों तरफ ऐसे लंबे लंबे पेड़ और बीच में रोड जा रही है, इसका भी एक अपना ही मज़ा है। सो यू कैन कम आराम से अपने वीकेंड पे, दिल्ली से दूर भी नहीं है। मैं स्कूटी से यहाँ कुछ 6:30 पहुँच गया था, ऑल दो मैं रास्ता ही भूल गया था, रास्ता भूल क्या कहता, मतलब एक कट मिस हुआ तो मैं मेरठ पहुँच गया। तुमने कल के व्लॉग में देख लिया होगा, कल के व्लॉग में देखा तो जाके कल का व्लॉग याद से देख लेना भाई लोगों, ठीक है। और चैनल में जो भी नहीं है चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लेना, ठीक है। वीडियोस जाएगी, तुम देखोगे, तुम लाइक करोगे, तुम शेयर करोगे, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, मुझे अच्छा फील होता है। और अपने 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्दी से जाके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो यार। ये वाला कट है जहाँ से हम कल पुल के लिए गए थे, और यहाँ से अब आगे अपना मंदिर वाला रास्ता है। ये अपना, मैं ये बात बताना भूल गया, कौन सा है हर्षित, कौन सा हाईवे, NH 121 है ये, NH 121 है भाई।
तो उसमें कहीं कहीं ना पैचेस लग रहे हैं, तो मेरे को तो लग नहीं आता है हाईवे है, बट ये बताते हैं हाईवे है NH 121। आगे से दो रोड्स कटती हैं। अच्छा, एक आपकी गढ़वाल रूट के लिए निकल जाती है। हाँ, एक अल्मोड़ा रानी खेत होते हुए। अच्छा, उधर को निकल। और ये जो पहला लुक है ये गर्जिया माता का है, ठीक है। मंदिर इसका मेन नीचे है, बट एक जो ऊपर से शरणार्थी चले जाते हैं, अगर जैसे कोई गाड़ी विजिट कर रहा है कुछ, तो लोग जो नीचे नहीं आते वो यहाँ पे मत्था टेकते हैं अपना, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, तो उनके लिए बनाया गया है। और ये मैं बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा हूँ, मतलब जब पापा के साथ आते थे या उससे पहले बस में आते थे, या अब हमेशा हम जब भी आते हैं यहाँ पे पक्का रुकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में भी हम रुके थे, अगर आपने नहीं देखी हो तो, जो मेरी उत्तराखंड सीरीज थी, फैमिली ट्रिप थी उसमें। और अभी भी हम आए हैं तो स्पेशली दर्शन करने आए हैं, बाकी डिपेंड्स कि कितनी भीड़ होती है। ज़्यादा भीड़ होगी तो दर्शन पॉसिबल नहीं होंगे, बट हाँ हम बाहर से पूरा विजिट कर लेंगे, क्योंकि मेरे को आज ही दिल्ली निकलना है इस वजह से। सो देखते हैं क्या लक रहता है अपना, दर्शन हो पाएंगे अंदर से या बाहर ही बाहर से हमें दर्शन करके निकलना पड़ेगा। और स्पेशल बात यह है, शायद ये पूरा मिट्टी पे बना हुआ है ना मंदिर का स्ट्रक्चर जो है। ये ऐसा था कि काफ़ी टाइम पहले, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, तो बहुत एक फ्लड आया था। अच्छा, तो ये फ्लड ये पूरा टीला बह के आया था माता का, और ये आके यहीं पर रुक गया। तो कुछ टाइम लोगों को तो पहले पता नहीं था कि इसके टीले के टॉप पे क्या है। तो ऐसे ही लोग एक दिन गए तो ऊपर माता की मूर्ति निकली थी, खंडित मूर्ति थी वो, क्योंकि फ्लड से बहुत नुकसान हो गया था। तो कहा जाता है कि मंदिर पूरा बह के आया था ये। अच्छा, यहाँ के रुक गया तो लोगों ने फिर यहाँ इसमें फिर मान्यता हो गई इसकी। अच्छा अच्छा, तो लेकिन ये है कि सोचने वाली बात है कि उसके बाद यहाँ पे 2004 या 2005 में एक बार फ्लड आया था। ओके, उसके बाद अभी तुम्हें पता है रिसेंट अभी सेप्टेम्बर में 4-5 दिन इतनी बारिश हुई थी हैवी रेन, उसमें जिसमें सारा पूरा गांव बह गया था इसके आसपास। अच्छा अच्छा, हाँ मंदिर वहीं का वहीं है ना। तो वही होता है कि पॉजिटिव एनर्जी का सारा खेल है, वो एक वाइब तो होती है। दर्शन करने जा रहा हूँ तो इधर से आगे से तो ये मान्यता है इसकी, लोग इसलिए इसको इतना मानते हैं और दूर दूर से विजिट करने आते हैं। बाकी एक बार आप देखोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। तो हेलमेट हेलमेट उतार दिया भाई, और ऐसा कुछ प्रसाद का सीन है ना, हेलमेट ले जा लेंगे हम, ले जा लेंगे हेलमेट, ले चल रख दे तो इसमें रख देते, गाड़ी में गाड़ी में रख देते, लॉट में ले लिया। हर्षित ने पहाड़ी बोल के काम बना दिया, पहाड़ी बोली और फिर आंटी ने वाटर ऑर्डर रखी। वैसे आंटी वैसे भी रखी रही थी, बट उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ गया कि हाँ चल पहाड़ी बोल दी अपने बंदे। बाकी ये कुछ मार्केट है यहाँ की, और ये एंट्री है इसकी। बजेगा मुझसे फिर से तो बजी गया, काफ़ी ऊंचा लगा रखा है वरना बजाना तो था। अभी तो काफ़ी खाली है यार यहाँ पे, वैसे इतना खाली रहता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इतना खाली देख रहा हूँ भाई, है ना, इतना खाली रहता नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और खासकर नवरात्रों वाले टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी उसके अंदर। सैटरडे संडे तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, बहुत। 2016 में आया था तो इतना ज़्यादा रश था कि यहाँ पे लोग ऐसे खड़े हो रखे थे ना, मैदा हो रखा था बिल्कुल। और लुक चेंज हो गया था ना, फ्लड आई थी। अच्छा, तो बीच बन गया पूरा, तो कुछ ऐसा लो भाई, लोग तो नहा भी रहे हैं हर्षित, हम तो कुछ जुगाड़ वाही लेके नहीं आए। तो कुछ ऐसा व्यू है टॉप से, देख रहे हो, बहुत ही अलग फीलिंग है भाई, बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग है, बहुत ही अलग व्यू है यहाँ का। और काफ़ी दूर से लोग आते हैं, तो नीचे आपको दिख ही जाएंगे अलग अलग, आपको चेहरे से ही पता चल रहा होगा कि हाँ भाई अपनी दिल्ली से आए, आप देख लो स्कूटी में ट्रैवल करके, तो फिर आप इमेजिन कर लो कि लोग और कहाँ कहाँ से आते होंगे। और बहुत लंबे एरिया तक फैला हुआ है लोग जहाँ नहा रहे हैं, बहुत दूर तक। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया हर्षित यार, ये नहाने का सीन इतना था नहीं पहले, कहाँ तक नहा रहे लोग भैंस के यहाँ। बाइक के साथ आया था, हाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। ये लोग अभी पीछे जा रहे थे गढ़वाली में, यही बोल रहे थे कि कितना चेंज हो गया है। और उस साइड वाला मंदिर मेन ये है ऊपर मंदिर का सीन पूरा।
है। याद आवे हर्षित तो कुमाऊनी बोल के हाँ वो प्रेशर बना रहा है लोगों पे। भाई एक्चुअल भीड़ हो गई है बहुत ही ज़्यादा ना, खतरनाक सीन हो गया। ये मंदिर टॉप पे वहाँ हम गए थे और यहाँ से नीचे आते हुए पूरा वहाँ तक की लाइन लग गई है और ये वैसे काफ़ी आगे तक जाती है नवरात्रों और वैसे वीक है इसमें वीक ऑफ वाले दिन मतलब वीकेंड वाले दिन ये काफ़ी आगे तक जाती है। और यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर भी है तो जब आओ तो यहाँ भी आते चले जाना। क्या कह रहे आराम से भाई? ऐसा नहीं था पहले यहाँ पे, ये जो नुकसान हुआ ना उसमें काफी मतलब पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी क्लियर था, अब उतना पानी क्लियर नहीं है। मैं कह रहा था कि कल जो मैंने व्लॉग में बताया था ना कि ये गंद देख रहे हो आप, यहाँ पे जो टूरिस्ट आए ना वही फैलाते हैं मोस्टली। ये देख लो पूरी एरिया में ना ये जो स्टॉल्स लग रहे हैं खाने पीने के हैं तो लोग यहाँ खा के यहीं फेंक देते हैं, यहीं गंद मचा देते हैं तो उस चक्कर में ऐसा हो जाता है। पूरा देखो, देख रहे हो? हर्षित लोग गर्जिया जाने के लिए क्या बोलते हैं, क्या करना है? पहले क्या था नैरेटिव, ये था कि चलो गर्जिया चलते लगे हाथों तो नहा लेंगे। अब हाँ। ये हो गया उल्टा, कुछ सालों से नहा लेंगे चलो लगे हाथों तो साइड से गर्जिया भी आएंगे। तो गर्जिया बेसिकली आपको पता मंदिर का ही नाम है। तो पहले लोगों का कहना ये था, पहले जो मतलब एक स्लोगन मान लो कि गर्जिया चलते हैं दर्शन करने, ठीक है, और साथ ही साथ नहा भी लेंगे। अभी ये हो गया वाला हिसाब है, पाप धो लेंगे ना। और अब जो नैरेटिव है, अब जो स्लोगन है, अब ये है कि गर्जिया चलते हैं नहाने, साथ ही साथ दर्शन भी कर लेंगे। नहाने के प्रस्पेक्टिव से आ रहे हो तुम्हारी अपनी मर्जी है भाई, पूजा करनी नहीं करनी है तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता प्रॉपर। बट जो वो सीन है ना कि आके गंद मचानी है या कुछ ऐसा करना है जो इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है तो वो बहुत गलत है। एक बार व्यू लेते हैं। डन, गर्जिया विजिट कर लिया, दर्शन वर्शन हो गए तो निकल रहे हैं यहाँ से। बैटरी बड़ी कम बची GoPro की तो निकलते हैं यहाँ से अब फटाफट और घर पहुँचते हैं हर्षित के, उसके बाद में फिर अपडेट दूंगा क्या सीन बनता है, ठीक है? चले भाई हर्षित। सेम क्लिप है, अभी हम घर जा रहे हैं, सेम ही रास्ता, तो आई थिंक बार बार सेम रास्ता दिखाना सही नहीं होगा ना, ठीक है? बाकी यहाँ पार्किंग का वैसा नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, तो आके पार्किंग के वैसे दे मत देना किसी को, पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? फोर व्हीलर के लिए है भाई, सॉरी। हाँ हाँ, फोर व्हीलर के लिए पैसे हैं। चलो घर मिलते हैं सीधा। तो आपने गर्जिया का ब्लॉग तो देख ही लिया, गर्जिया हमने पूरा शूट वूट कर लिया था और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से उत्तराखंड से अपना दिल्ली के लिए। तो बस वही रेडी कर रहा हूँ, हेलमेट रेडी कर रहा हूँ और यहाँ से निकलता हूँ मैं दिल्ली के लिए। तो अब मिलता है सीधा मोटो व्लॉग पे, ठीक है? उत्तराखंड टू
दिल्ली, देखते हैं कितने टाइम पे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचते हैं, कहां कहां रुकेंगे, ठीक है? तो बने रहना। चले भाई। ठीक है, चल बाय, मिलते हैं, देखते हैं भाई। बोला तो था मैंने उसको कि भाई प्लान बनाते हैं, बाकी देखते हैं भाई का काश। चलो निकलते हैं भैया दिल्ली के लिए। अब तुम्हें देखने को मिलेगा उत्तराखंड टू दिल्ली। चलो जय माता दी। बाकी हर्षित भी चल रहा है अभी आगे तक। अगर मेरे को एटीएम से पैसे निकालने और मम्मी ने कुछ मंगाया था वो रखना है, उसके बाद अब गुड टू गो है दिल्ली के लिए। चल ठीक है बाय, मिलते हैं। ठीक है साले दिल्ली आ जियो। हाँ हाँ कुछ फंग आ जियो साले। चल ठीक बाय। तो ट्रैफिक बहुत है भैंस के यहाँ, निकलने में थोड़ी देर हो गई है, 12:25 या 12:20 हो रहे थे अभी। मैंने फ़ोन में टाइम तो देखा नहीं और मैंने सारी चीज़ अपनी ले ली हैं, गियर्स मैंने पहन रखे हैं सारे। तो निकलते हैं अब यहाँ से काशीपुर के लिए और काशीपुर में भरा लेंगे पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पे 2 रुपये सस्ता है। तो काशीपुर में टंकी फुल करके फिर निकलते हैं वहाँ से। फुलम फुल पेट्रोल पंप आ गया था, तो मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल ही भरा लेते हैं, अगर टंकी फुल रहेगी तो बढ़िया रहेगा। नहीं उसने बाहर से ही मना कर दिया भाई, पेट्रोल नहीं भर रहा हूँ, डोंट नो क्यों। आगे चल के देखते हैं, ये बड़ी अलग ही सीन है यार, मतलब अगर कोई फंस जाए और पता नहीं क्या ही है। बाकी निकल चुके हम रामनगर से, तो बोर्ड आ गया आपकी यात्रा है मंगल हो, धन्यवाद। तो मेरा प्लान ये है कि अब मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अभी अपन नहीं भरा रहे पेट्रोल। पेट्रोल भराएंगे हम जब थोड़ा और आगे पहुँच जाएंगे, एटलीस्ट मुरादाबाद, ठीक है? और इस बार आई डोंट वांट टू मिस द बेस्ट रूट जो लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था, तो वो दिखाएंगे आपको वीडियो में, एंड तक बने रहना, ठीक है? चैनल में नहीं हो तो चैनल को आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है? और चैनल को भी शेयर करना है और हमारी वीडियो को भी शेयर करना है यार, बड़ी मेहनत लगती है ना वीडियो बनाने में। वैसे मैं वर्किंग बंदा हूँ और उसमें जो 2 वीक ऑफ निकले उसमें आया हूँ। वी मेड अ प्लान मैंने और उर्वशी ने, और उसने बोला कि जा तू राइड कर, तेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था अपना लद्दाख वाली वीडियो में, अप्रिसिएशन बहुत किया लोगों ने, ठीक है? तो जा तू राइड कर, तेरा भी मन करता है, और एक्चुअली मेरा मन भी करता है राइड वाइड करने का, बट हाँ कभी कभार हो जाता है कि नहीं हो पाता, कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते नहीं हो पाता। थोड़ी हिम्मत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं राइड कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई दिल्ली से यहाँ कैसे आ गया तू? मैंने जहाँ कल वाली वीडियो मैंने नारियल पानी पिया, उस बंदे का भी ये कहना कि भाई दिल्ली से, वो बंदा दिल्ली का ही था, वो यहाँ पर आके बिजनेस कर रहा है। तो भाई दिल्ली से यहाँ इस पर बड़ा लंबा शॉट नहीं मार दिया मैंने यार, क्या करें अब, यही थी अपने पास, तो अपन इसलिए इसी में आए हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि अपन स्कूटी में ही जाएंगे, ये वो अपने पास है ही है, तो अपन इसीलिए इसी में आए हैं, ठीक है? बाकी ऐसे रोड्स में ना इल्यूजन दिखते हैं, ऐसा लगता है सामने पानी भरा होगा ये धूप के चक्कर में, बट ऐसा होता नहीं है, बड़ा मस्त सा लगता है। और आपके साथ भी ऐसा हो तो बताओ जाके कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे बहुत जाम लगता है भाई, और अब यहाँ से मुझे रास्ता भी चेक करना पड़ेगा भाई। मैप सेट कर लिया भाई, इस बार बिल्कुल मैप पे ध्यान दे के निकलूँगा, बिल्कुल मिस नहीं करूँगा कोई भी कट को ना। आपसे मिलते हैं एक अच्छे रास्ते पे, अभी हम थोड़ा गलियों से निकल रहे हैं तो इस पे फोकस करते हैं, और आपसे मिलते हैं आगे। ये जो आप रोड देख रहे हो ना, ये दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है, बट कभी कभार मुझे डरावनी भी लगती है। सडन मेरे माइंड में कुछ आ जाता है भाई कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, या ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। बाकी ये रोड काफ़ी लंबी है, अराउंड 30 किलोमीटर में सेम रोड पे चल रहा हूँ, बाकी देखते हैं कहाँ निकालती है, जहाँ निकालेगी वहाँ आपको अपडेट देंगे कि अब यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है? चल लो मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे तो लगा है जाम काफ़ी, और अपन इस बार सही रास्ते पे आई गेस,
एक के बाद एक क्ल्यू मिल रहे हैं। अब यहाँ से दिल्ली दिखा रहा है 158 किलोमीटर। तो भाई मैं आ गया हूँ अप्रॉक्स हापुड़, और यहाँ से मेरा घर होगा 106-105 किलोमीटर दूर। और अपन आ रहे हैं काफ़ी दूर, मतलब अप्रॉक्स हम पहुँचने वाले हैं दिल्ली कुछ टाइम में, दही डच हो जाएंगे। और मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि क्या कहते हैं मेमोरी बिल्कुल डाउन हो गई थी GoPro की। अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से हापुड़ से, ठीक है, और यहाँ रुका था चाय वाय पी और बस अब निकल रहे हैं। ठीक, चलो मिलते हैं यहाँ से आगे, कम शूट करते हैं। तो भाई लोगों गाजियाबाद में एंट्री हो चुकी है, अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ को फटफट करके। यहाँ से मेरा घर अभी भी 60-65 किलोमीटर दूर होगा, तो देखते हैं क्या हिसाब बनता है। तो भाई लोगों दिल्ली में एंट्री हो चुकी है, ठीक है, और अभी जाम वाम तो कुछ ही लगा हुआ, हाँ बट दिल्ली में एंट्री हो चुकी है। ये है भाई दिल्ली, फुल ऑफ जाम पीछे से लगता हुआ आ रहा है। मैं जैसे जैसे निकल रहा हूँ जैसे तैसे निकला हूँ, बट फिर भी जो भी है अपनी है दिल्ली।